मेरा बेटा आज 11 जनवरी से ना पाता है, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। जाने पर बोलता है लोग कि हो रहा है कार्रवाई, जाइए आप लोग जाइए, भगा देता है लोग। आज PSP सगरो मैंने पक्ष विपक्ष सबको, हम DM उम सबको हम दोहरिया के आवेदन दे चुके हैं, कोई नहीं सुनता है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निष्फोन नेशन देख रहे हैं। एक माँ अपने बेटे की तलाश में पिछले करीब 2 महीने के वक्त से दर दर की ठोकर खा रही है, कभी पुलिस के दरवाजे पर तो कभी नेताओं के पास। माँ अपनी आंचल को फैला करके अपने बेटे की रिहाई की मांग कर रही है, लेकिन हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही है। मामला पटना के मनेर का है, जहाँ पर आज एक वहाँ का एक मामला सामने आया है तेजस्वी यादव के सामने, जहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव मौजूद थे। खास बात ये कि जो युवक है उसका नाम है सोनू कुमार, ये रामपुर दियारा मनेर इलाके में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है, उम्र करीब 22 से 23 साल के आसपास की है। 11 जनवरी के दिन से जो है वो गायब है। अपने उसके कुछ दोस्त आए थे, उसको ले करके गए थे चिकन पार्टी के नाम पर, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। इन तमाम चीज़ों के बाद में लगातार परिवार के लोगों ने, कुछ गांव के ही जो स्थानीय लोग हैं उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही उनको बुला करके वो ले गई थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं किया है। इन तमाम चीज़ों के बीच में दो दो बार बिहार के DGP से लेकर के जिले के SP तक जो है वो फरियाद लिख करके दी जा चुकी है, लगातार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के पास इंसाफ की आस में एक माँ और उसका परिवार पहुंचा। तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया है कि जो भी इस मामले में मदद बन पड़ेगी उनसे वो तमाम चीज़ें वो करेंगे। क्या कुछ इस माँ का कहना है, छोड़े जाते हैं आपको पूरे बयान के साथ। तेजस्वी यादव से मिलने आई थी, आप रो क्यों रही हैं? बहुत बार मिलने आए भैया, अभी भेंट नहीं हो पा रहा था, तो अभी जाके भेंट हुआ। तेज प्रताप भैया के यहाँ भी गए थे, उनका पीए बोले कि हम देख लेंगे मैडम, लेकिन वो बेचारा मदद बहुत किए हैं, मीडिया उडिया को भेजे हैं, देखे हैं। क्या क्या मुद्दा है, किस लिए आप मिलने आए थे? मिलने आए हैं कि मेरा बेटा आज 11 जनवरी से ना पाता है, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। जाने पर बोलता है लोग कि हो रहा है कार्रवाई, जाइए आप लोग जाइए, भगा देता है लोग। आज PSP सगरो मैंने पक्ष विपक्ष सबको, हम DM सबको हम दोहरिया के आवेदन दे चुके हैं, कोई नहीं सुनता है। मेरे बेटा को बुला के ले गया लोग कि तुम्हारे KCR आए हुए हैं, मुर्गा बनाना है। मेरा बेटा गया, अब दुआरी पर ले आ करके ले आ गए लोग, आयो बोलते हैं पूछने पर कि गया वहाँ पे, तो हम अपना फ़ोन किए बेटा को, बोलता है पानी में भीज रहा है आपका बेटा, आ जाएगा, चल जाएगा। 8 बजे तक ले 12 बजा दिया लोग सर, लेकिन मेरा बेटा नहीं। कौन लोग लेके गए हैं आपको पता है? देव सिंह ले गया, विशाल सिंह, हरेंद्र सिंह के कैसे है, और आई सब हरेंद्र सिंह का शैलेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह श्याम और छन्नू उसका भाई है। कितने तारीख की घटना है ये? संजय मुखिया हम लोगों को गुमराह कर दिया सर, की केस को गुमराह कर दिया कि वो लोग नहीं ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो सबके भी हाथ है, अब पता चल रहा है कि वो सबके भी हाथ है, गांव में पूरा हल्ला है। तो तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई आपकी? जी हुआ है, लेकिन बात नहीं बढ़िया से हो पाया है सर। उम्मीद है तेजस्वी यादव से मिलने आए थे, अपहरण हुआ है, क्या लग रहा है? उम्मीद है कि मेरा सुनवाई कर सकते हैं, भैया से हाथ जोड़ी है कि भैया मेरा सुनवाई करें, इंसाफ हमको दिलाए, मेरा बच्चा जैसा भी है उसको हमको वापस दिलवा दे, मेरे घर कोई रिकवरी करवा दे, मेरे घर कोई करने वाला नहीं है, वही बच्चा मेरा सहारा था, मेरा पति भी नहीं है सर। कितना बड़ा लड़का था और कौन सी क्लास में पढ़ता था? 22 साल का, 23 साल का। आप कौन हैं? हम उनका साला, मैंने 11 जनवरी को उनका अपहरण हुआ, हम घर पे थे, और शैलेंद्र सिंह का इसमें हाथ है, सहदेव सिंह का हाथ है, और हरेंद्र कैशियर के हाथ है, विशाल सिंह है,
ये लोग सब लोग मिल के ये सब मार के फेंक दिया था। कुछ पता नहीं चल रहा है। हम डीएम एसडीओ सीनियर एसपी सिटी एसपी को आवेदन दिए दोबारा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है।